दोनों मूवीज की कास्ट हमारी सेम है, स्टार कास्ट जो है हमारी दोनों मूवीज की वो सेम है, और मैं इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। मैं अपना कैरेक्टर रिवील नहीं कर सकता, ये डिमांड है एक्चुअली, बट अच्छा लगेगा आप लोगों को देखने में। और ये मेरी दूसरी फिल्म है, दूसरी और तीसरी, मतलब मैंने दो फिल्में ये और साइन की है, परसों धनंजय भी थोड़ी देर पहले हो चुकी है। तो अब इसकी स्टार्टिंग हो जाएगी 15 फरवरी से, तो बस देखते हैं, इंशाल्लाह अच्छी होगी। आप बताएं। मेरा नाम अजय ठाकुर है, बेसिकली आई एम फ्रॉम मथुरा। एंड इससे पहले मैं आपको इस मूवी के बारे में बताऊँ, मैं इसमें जुबेर के छोटे भाई का रोल प्ले कर रहा हूँ। एंड सेकंड मूवी डैम ग्रेवयार्ड, उसमें भी मेरा काफ़ी अच्छा रोल है। एंड इससे पहले मैंने संजीव सर के साथ एक मूवी की थी, ब्लड रिलेशन, उसमें मेरा छोटा कैरेक्टर था लेकिन काफ़ी अच्छा था। और इस मूवी में मैं जैसे जुबेर के छोटे भाई का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए। और मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा कि ये मूवी वाकई में दोनों बहुत सुपर डुपर हिट आएंगी। बस हम आपसे आपका प्यार चाहेंगे कि आप इस मूवी को देखें और हमें अपना आप प्यार दें, बस ये बोलना चाहूँगा आपसे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज रॉकी यादव एंड आई एम फ्रॉम यूपी मथुरा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक संजीव सर एंड रमेश फॉर गिविंग मी दिस बिग अपॉर्चुनिटी, एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दिस प्रोजेक्ट बिकॉज काफ़ी अच्छा लगा। मतलब मूवी जो है बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हैं उसका, मुझे जो पोस्टर देख के पता चला बहुत ज़्यादा अच्छी मूवी है, और सर ने मुझे इस कैरेक्टर के लिए दिया। और बाय द वे मैं कैरेक्टर बता देता हूँ, अंजू मैम का बॉयफ्रेंड कैरेक्टर मुझे एक्चुअली दिया गया है, सो आई एम वेरी लकी फॉर दिस। और जुबैर सर हैं और शिवारंजन शिवा सर हैं और डैपू सर हैं, तो उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, ये मेरी बहुत बहुत बड़ी बात है, उसमें बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और अच्छा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल विदाउट प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग। सो यार मैं तो ये कहूँगा कि मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, और मैं आप सब लोग को थैंक यू बोलूँगा। प्लीज़ 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 आप लोग मूवी को ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छी मूवी होने वाली है लोग, और आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। सो थैंक यू सो मच। चलिए, भी अट्रैक्ट किया होगा ना आपको एक्टर बनने के लिए? यार आपको पता है, हम लोग बच्चे होते हैं, ठीक है, छोटे होते हैं, हम लोगों को कोई सपना होता है कुछ बनने का, किसी को इंजीनियर बनना होता है, किसी को डॉक्टर बनना होता है, किसी को कुछ बनना होता है। पर एट लास्ट, मतलब बचपन से अभी तक कितनी बार आपका ड्रीम चेंज हुआ होगा, कितनी बार कभी आपने सोचा मैं इंजीनियर बनूंगा, कभी डॉक्टर, कभी कुछ, एट लास्ट आप वही बनते हो जो आपकी दिल की ख्वाहिश होती है। तो जस्ट मैं पर्सनली, मुझे अच्छी लगती है इंडस्ट्री, तो मेरा बहुत मन था बचपन से एक्टर बनने का। डेट्स ऑल, और कुछ अट्रैक्ट नहीं।